हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में सीखते हैं डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेटिंग का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है। काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, जो डेवलपमेंट लेंथ होता है वो होता क्या है वो तो पता चल गया सबको। चलो इसको फॉर्मूला देखते हैं, इसको निकालते कैसे हैं। अगर हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, हमारे पास ग्रेड स्टील ग्रेड है, ठीक है, Fe 415, Fe 500, Fe 500, तो जो भी उसकी स्टील की ग्रेड है हमारे पास है, स्ट्रेस गिवन है। तो अब हमें निकालना है डेवलपमेंट लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस की जरूर कर दीजिए। तो डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट आपका कंक्रीट के अंदर जो स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं उसको देखते हैं LD कितनी आती है। फॉर्मूला IS कोड 456:2000, जैसे क्लोज खोलेंगे 26.2, तो आपको ये आपको इस पर जो पॉइंट्स है वो मिल जाएगा डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। तो द कैलकुलेट टेंशन और कंप्रेशन इन एनी बार एट एनी सेक्शन शैल बी डेवलप्ड। देखिए, द कैलकुलेटेड टेंशन और कंप्रेशन, कैलकुलेशन करना है आपको या फिर कंप्रेशन करना है इन एनी बार में, कोई भी बार में, एनी सेक्शन के अंदर, जैसे कि आपका ये आपके हो गई कॉलम या आपका बीम या आपके एंड जंक्शन, या आपका कॉलम एंड बीम जंक्शन हो गया, तो इसमें आपको करना है डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना है। तो ये आपका टेंशन, ये आपका टेंशन हो गया, या टॉप वाला कंप्रेशन, तो ये आपका क्या हुआ, साइड बार हुआ, साइड और दिस सेक्शन बाय एनी अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट लेंथ और एंड एंकरेज और बाय ए कॉम्बिनेशन थियर ऑफ एंकर बार आपको इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, या फिर आपको ये करेंगे हुक, हुक की लेंथ इस तरह से हुक लेंथ करते हैं। ये होता है प्लेन बार के लिए, हमेशा जो हुक प्रोवाइड करते हैं प्लेन बार के लिए डेवलपमेंट लेंथ, और MS बार के लिए, जैसे डिफॉर्म बार के लिए यूज करेंगे LD, जो आपका मोस्टली MS बार जो साइड पर यूज करते हैं। तो फॉर्मूला है आपके पास डेवलपमेंट लेंथ निकालने का, पाई आपके पास क्या, पाई क्या है, डी डाया है पास, डाया सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टॉर्क BD। तो ये क्या है, पाई क्या शो कर रहा है इसमें, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बार। सिग्मा एस क्या कर रहा है, स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन कंसिडरिंग एट डिजाइन लोड, डिजाइन लोड ये आपका कंसिडर करता है सिग्मा एस। तो टॉर्क BD क्या है आपका पास, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ये भी आपको क्या हुआ, सभी टेबल में गिवन होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, तो पाई क्या है 16 मिलीमीटर का, सपोज कीजिए 16 मिलीमीटर का डबार यूज कर रहे हैं, सिग्मा एस, सिग्मा एस ले रहे हैं 500 का, जैसे कि FE लिखा रहता है, जैसे कोड पे जाके आपके पास ये बार है तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा यहाँ पे 500 SD या फिर 500 D, ठीक है, ये आपका लिखा रहेगा TMT, TMT। तो इसका मतलब कि आपके पास Fe क्या, आपके पास ये आयरन, आयरन का बना हुआ है, और 500 की आपके पास इसकी स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ लिख रही है कि 500 स्ट्रेंथ तक, इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये आपके पास क्रैक्स होने लगते हैं, जैसे कि सरिया आपके पास है इस तरह से लोड ट्रांसफर होते हैं, बॉन्ड इसको बैंड करते हैं, इस तरह से कोई भी क्रैक्स होने लगता है। उसके बाद देखते हैं टॉर्क BD, ये आपका बॉन्ड स्ट्रेस कितना है, 1.4, तो 1.4 क्या आपके पास 25 ग्रेड के लिए होता है, 1.4 मैं आपको टेबल में दे दूंगा, तो 25 ग्रेड के लिए होता है 1.4, ठीक है। तो 1.4 क्या होता है, अगर आप प्लेन बार यूज करें तो सिंपल यही होगा, प्लेन बार के लिए जो होता है 1.4, ये प्लेन बार के लिए जो है, अगर आप कर रहे हैं डिफॉर्म बार यूज तो उसके लिए 60%, 60% क्या बढ़ जाता है भैया, बढ़ जाती है लेंथ डिफॉर्म बार, ये आपकी बढ़ जाती है 60%। तो क्लोज खोलेंगे 26.2.1.1, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 60% आपको ये डिफॉल्ट बार में यूज़ करना है, कहीं में आपको बैंड लेंथ में। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करें हम 25 करेंगे तभी आपको ये पॉइंट मिलेगा बॉन्ड स्ट्रेस, और बॉन्ड स्ट्रेस प्लस करेंगे 60% तो आपको ये टोटल लेंथ मिल जाएगी। तो सिंपल पुट करना है फॉर्मूले के अंदर, पाई जैसे कि आप निकालते थे 15 to D, तो आपको पाई और DA की बात है, तो पाई क्या है, पाई डाया, पाई एक तो इस तरह से पाई यूज करते हैं या फिर इस तरह से पाई यूज करते हैं, क्लियर, दोनों फार्मूला पाई के ही है। तो 500 के क्या है स्ट्रेस, और 4 × 4, यहाँ पे 4 था यहाँ पे ऊपर से, और टॉर्क BD आपके पास 60% आपने बढ़ाया, 1.4 का 60% 0.84, तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो 4 × 2.24, तो इन दोनों प्लस करते हैं 2.24। अब हम इस दोनों को गुना करके इससे भाग कर लेते हैं 55.80, तो अब हम इन दोनों को गुना करते हैं तो फॉर्मूला क्या बना, 55 पाई या फिर 55 × D, ठीक है। तो पाई और डाया डाव दीवार है आपके पास शो कर रहे हैं,
एग्जांपल देख लेते हैं लेंथ निकालने के लिए। तो 55 इंटू 16, 16 मैंने लिया था यहाँ पे बार 16 mm का, तो कितनी लेंथ हुई थी 15 5 इंटू डी, तो 880 mm। तो ये आपका डिज़ाइन करते हैं इस तरह से। तो ये आपका बीम, ये आपका कॉलम। तो यहाँ से जो लेंथ आएगी आपके पास, ये जो लेंथ आएगी 10D प्लस एल डी, एल डी क्या निकाली 880 mm, एल डी क्या थी 10 इंटू 16 प्लस 880। इस तरह से जो टोटल लेंथ आएगी आपके पास, ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ आएगी। अगर आप यूज कर रहे हैं जैसे कि ये आपकी बीम हो गई, बीम जंक्शन हो गया, बीम के अंदर आप यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्या लेते हैं 15 इंटू एल डी से कम नहीं लेते हैं, 15 इंटू डी या फिर एल डी, ये भी आपके पास जो लेंथ होती है एल डी से कम नहीं होनी चाहिए। तो एल डी क्या हुई यहाँ पे आपने निकाला था 55, 55 इंटू डी, तो 55 इंटू 16, तो 16 क्या था 880। तो ये आपके पास जो लेंथ आएगी 880 ओवरलैपिंग लेंथ मिनिमम इतनी होनी चाहिए। क्लियर? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।